भिवंडी शहर में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या कर शव को प्लास्टिक की बाल्टी में दफनाकर फरार होने वाले आरोपी को भिवंडी शहर पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढवले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 13 तारीख को भिवंडी शहर के फेनेगांव कामतगर एरिया में एक 6 साल की बच्ची का मिसिंग हुई है, ऐसी कंप्लेंट भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुई थी। उसी के तहत भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में सेक्शन 363 के तहत मामला दर्ज किया गया था और वो जो बच्ची है उनको ढूंढने की कोशिश पूरी भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन की टीम और बाकी और 2 टीम कर रही थी। उसी बीच दूसरे दिन 6 साल की बच्ची के मृतदेह हमें एक बंद खोली में मिला। उसके बाद उसमें सेक्शन 302 के तहत सेक्शंस बढ़ाए गए और जो बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए जेजे हॉस्पिटल में भेजी गई थी और वहीं पे जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने अभिप्राय देने के बाद उसमें कलम 376 और पोक्सो के जो सेक्शन है वो बढ़ाए गए और उसके बाद हमने 3 टीम फॉर्म की थी। उसमें से हमें स्पॉट पे कुछ एविडेंस मिले, उसी के तहत जो सस्पेक्ट है इस गुने का उसका नाम निष्पन्न हुआ और तुरंत हमने उनका नाम निष्पन्न होने के बाद हमारे भिवंडी शहर की पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन की टीम PSI रविंद्र पाटिल और उनकी टीम को तुरंत बिहार में आगे की जांच के लिए भेजा था। वहीं पे उन्होंने अच्छा सा वर्कआउट करके वहीं से 2 दिन पहले ही वो आरोपी को कस्टडी में लिया है। वहां के सब कायदेशीर कार्रवाई करके जो प्रोसीजर है सबका अवलंब करते हुए उनको कल वो टीम भिवंडी शहर में पहुंची है। जो आरोपी है उनको कल रात को अरेस्ट किया गया है और आरोपी का अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चालू है, आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने वो कितने दिन से यहाँ पे था, उनका मोटिव क्या था, प्राइमरी तो यही पता चल रहा है कि उन्होंने चॉकलेट देने के बहाने वो जो बच्ची है उनको रूम में लेके गया और उनपे उनका मर्डर किया है, ऐसा प्राइमरी अब तक पता चला है। सर, क्या वो शख्स उसी रात बिहार भाग गया था या वो शहर में घूमता रहा? नहीं, मतलब जब जिस दिन घटना हुई वो होने के बाद वो तुरंत भाग गया था। सर, वहां पर बिहार राज्य में अपनी टीम को कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बिहार में जाने के बाद हमारी जो टीम है उन्होंने उधर जाने के बाद हमें वो आरोपी का मोबाइल वगैरह सब बंद था। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही थी उनको लोकेशन जो है वो ढूंढने के लिए, तो हमारी टीम ने वहां पे पूरा वेश बदल के और वहां के जो स्थानिक पुलिस है, स्थानिक इन्फॉर्मर है, उनकी मदद लेके वो आरोपी तक पहुंची है। हमारी जो PSI अरविंद पाटिल और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम, सीनियर PI काकड़े साहब, PI क्राइम और सभी पुलिस स्टेशन की टीम ने कंटिन्यूअसली उनके टच में रह के वो आरोपी को हम गिरफ्तार कर सके, इसलिए मैं पूरी भिवंडी शहर की टीम का अभिनंदन करता हूँ। पूरे मामले में कौन से कलम नारायण लगाए गए हैं और कब तक इस आरोपी को रिमांड? आज जो गुना है उसमें 302, 376 और पोक्सो के सेक्शन 4, 8 और 12 लगाए गए हैं और आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा।